प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मित्रों, आज हम बात करते हैं कि अगर कुंडली में मंगल अशुभ है तो उसे शुभ कैसे कर सकते हैं, उसे शुभ कैसे बनाया जा सकता है। और आज हम इस वीडियो में इस शुभ जो अपना जो ग्रह है वो मंगल होना चाहिए, अगर वह कुंडली में अशुभ है तो उसे शुभ कैसे किया जा सकता है और उसे कैसे उसके फलों की जो प्राप्ति है वो हो सकती है और इसके क्या उपाय हैं, तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि मंगल अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो जीवन में हर ओर मंगल ही मंगल होता है, लेकिन कमजोर या अशुभ मंगल जिंदगी में अमंगल का यह विष घोल देता है। ग्रहों में मंगल को सेनापति के रूप में माना जाता है, इसकी कुछ विशेषताएँ हैं जिसकी बात हम करते हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है, शक्ति ऊर्जा आत्मविश्वास और पराक्रम का स्वामी है। इसका मुख्य तत्व अग्नि है, इसका मुख्य रंग लाल है, तांबा इसकी धातु है और जो इसका अनाज। मेष और वृश्चिक इसकी राशियां हैं। मंगल मकर राशि सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, कर्क राशि में मंगल सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है। अगर कर्क राशि में मंगल है तो वह सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है और ख़राब मंगल के परिणाम जो हैं वो हम जानते हैं, जैसे इंसान क्रूर होने लगता है, हिंसक हो जाता है, मतलब लड़ाई झगड़े पर उतर जाता है, आत्मविश्वास और साहस का स्तर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, संपत्ति और ज़मीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इंसान को रक्त संबंधी समस्याएं होती हैं, अक्सर कर्ज और मुकदमेबाजी लगी रहती है। मंगल अगर अशुभ है और अशुभ होने की वजह से कभी कभी जेल के दर्शन भी करवा देता है। अगर विवाह भाव से इसका संबंध है तो वैवाहिक जीवन को खराब करता है। कुंडली का मंगल जीवन के सुख, संपत्ति, विवाद, मुकदमेबाजी जैसे पहलुओं को विशेष रूप से प्रभावित करता है, यानी जीवन के हर एक मोड़ पर खराब या अशुभ मंगल का प्रभाव रहता है, इंसान की जिंदगी को प्रभावित करता है। आखिर अशुभ मंगल को शुभ कैसे बनाया जाए और अगर अमंगल है तो मंगलकारी बनाने के लिए क्या ऐसे उपाय हैं जो वो हमें करने चाहिए, तो कुछ उपाय हैं इसके, उसके बारे में जानते हैं। किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज लें, इस पर लाल रंग से राम लिखें, मंगलवार को ही ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं, आपकी संपत्ति प्राप्ति की समस्या दूर हो जाएगी। अगर मंगल दोष के कारण शादी में बाधा हो तो हर मंगलवार का उपवास रखें, इस दिन नमक ना खाएं। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें, सुंदरकांड का पाठ करें। अगर मुकदमेबाजी का विवाद का योग हो तो रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जो जल है वो अर्पित करें। इसके बाद सूर्य के समकक्ष ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, भूमि पर शयन करें। ये प्रयोग 27 दिनों तक करें, आपको लाभ होगा। इसके अलावा ज्योतिष के जानकारों की माने तो मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए तो आपकी ज़िंदगी में काफ़ी उथल पुथल मचा सकता है। अगर इसके अशुभ योग बनते हैं, जैसे कि कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो तो अंगकारक योग बनता है, ये योग प्रचंड दुर्घटना, शल्य चिकित्सा, रक्त संबंधी गंभीर समस्या देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब होते हैं। अगर ये कुंडली में खराब हो तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिक के जी की जो उपासना है वो आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहता है। इसके अलावा बात करें तो कुंडली में मंगल पहला, चौथा, सातवां, आठवां और बारहवां स्थान पर मंगल दोष होता है, ऐसे व्यक्ति मांगलिक कहे जाते हैं। मंगल दोष को अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा कर सकता है, इसलिए विवाह से पहले मंगल दोष से कुंडली मिलाना बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा मंगल दोष के बारे में बात करें तो मंगल चतुर्थम, सप्तम, अष्टम द्वाश में हो तो कुंडली मंगली होती है, रिश्तों में काफ़ी संवेदनशील हो जाते हैं, इसलिए कुंडली मिलान की जो सलाह है वो दी जाती है, रिश्तों में परेशानी आती है। इसके अलावा मंगल दोष अगर समस्या दे रहा है तो हनुमान जी को आप नियमित जो चोला है वो चढ़ा सकते हैं। इससे अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो जीवन में बगिया खुशहाली जो है वो आ सकती है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन मंगलकारी बना सकते हैं। मंगल का प्रभाव जीवन के हर महत्वपूर्ण पहलू पर पड़ता है, लेकिन हर इंसान की कुंडली में मंगल शुभकारी नहीं होता, इसलिए आज हम आपको यही बता रहे हैं कि छोटा सा उपाय
जो वो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। मंगल को आप कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे अपने अनुकूल बना सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जान रहे हैं। आगे बढ़ें तो और उपायों के बारे में बात करें तो आक्रामक मंगल कमज़ोर हो तो लाल मूंगा धारण करें, रक्षात्मक मंगल कमज़ोर हो तो सफ़ेद मूंगा पहने, रक्षात्मक आक्रामक दोनों मंगल मजबूती के लिए नारंगी मूंगा पहने, तांबे के गिलास में पानी पिएं, लाल रंग का कलवा या रक्षा सूत्र धारण करें। इसके अलावा बड़ों के पैर दोनों हथेलियों से छुएं, सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की उपासना करें। ये सारे के सारे अगर आप उपाय कर लेते हैं तो मंगल जो है वो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत बन सकता है। ये थी मंगल की जानकारी। इसके अलावा जीवन से जुड़ी कोई और परेशानी, जैसे विवाह को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी में तरक्की को लेकर, भाग्य रतन रंग अंग को लेकर, ग्रह क्लेश से मुक्ति, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप स्वामी जी का नंबर वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप सीधे भी उनसे बातचीत कर सकते हैं। कोई भी गुप्त परेशानी है तो वो आप उन्हें बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि आप सभी को ये मंगल ग्रह की एक रोचक जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, फिर से एक नए वीडियो में ऐसे ही मुलाकात होगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन